आईपीएल शुरू होते ही पूरे देश समेत कानपुर नगर में भी बड़े पैमाने पर सटोरियों का व्यापार तेजी से फलने फूलने लगता है। सेटिंग गेटिंग और पावर के दम पर रोज करोड़ों अरबों का गेम खिलाने वाले सटोरी हर कला में पारंगत होते हैं। सेटिंग गेटिंग से लेकर पैसे के लेन देन तक सारा काम बड़ी सफाई से किया जाता है। यदा कदा कार्यवाही के नाम पर कुछ सटोरियों को गिरफ्तार कर क्राइम ब्रांच अपनी पीठ थपथपा लेती है, लेकिन कभी इस बात की जानकारी नहीं देती कि लगातार आईपीएल में सट्टा खिलाने वालों और खेलने वालों पर पुख्ता कार्रवाई क्यों नहीं होती। कानपुर में तो कुछ मामले ऐसे भी निकलकर सामने आए हैं जिसमें क्राइम ब्रांच, पुलिस और कई सफेदपोश लोगों की मिलीभगत भी सामने आती रही है। कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति कर अपनी पीठ थपथपाने वाली पुलिस ये क्यों सुनिश्चित नहीं करती कि साल के 12 महीने 365 दिन ऐसे आपराधिक कृत्य करने वाले लोगों पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। सटोरियों का गेम साल के 365 दिन फलता फूलता रहता है, फिर वह आईपीएल का हो या फिर बिग बॉस का। लगातार पुलिस और व्हाइट कलर लोगों की सेटिंग गेटिंग के दम पर यह सिलसिला बिना रुकावट जारी रहता है। सटोरियों की चालाकी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है, आईपीएल शुरू होने से पहले सट्टा लगवाने वाले अंडरग्राउंड हो जाते हैं। सटोरी या तो जिला बदलकर होटल के कमरों से आईपीएल का सट्टा लगाते हैं या फिर किसी 5-स्टार हॉस्पिटल में बीमारी का बहाना बनाकर अपनी दुकान चलाते हैं। फिलहाल तो क्राइम ब्रांच ने 9 सटोरियों सहित 45 लाख की नकदी बरामद की है। अब देखना यह है कि अभी अभी कानपुर कमिश्नर के पद पर तैनात हुए विजय सिंह मीरा सटोरियों पर कार्रवाई जारी रखते हैं या फिर एक गुड वर्क के बाद मामले को ठंडा बस्ते में डाल दिया जाता है। कि हमने डीसीपी क्राइम के दिशा निर्देशन में एक टीम को लगाया था और प्रोएक्टिव तरीके से पुलिस ने एक मोडस ऑपरेंडी इस तरीके से अपनाई कि अपने ही एक आदमी को खेलने के नाम पर उसके अंदर एंट्री करवाई और उसके माध्यम से फिर एक से एक जो लिंक जुड़ता चला गया उसके माध्यम से पुलिस को पता चला कि बड़े वृहद तरीके से ये गोविंद नगर के अंदर कुछ लोग हैं जो सट्टा करा रहे हैं, जो विभिन्न ये जो वेबसाइट्स है स्पेसिफिकली ये protex.com इसके माध्यम से ये लोग आईपीएल का सट्टा करा रहे थे। पुलिस ने कल रात्रि में दबिश दी क्राइम ब्रांच की टीम ने, तो करीब 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 45,30,000 रुपये बरामद किए गए हैं। साथ ही साथ में इसमें जो है 2 टैबलेट्स और करीब 27 मोबाइल बरामद किए गए हैं। ये एक जो प्रिलिमिनरी पूछताछ हम सब लोगों ने की है तो उसमें संज्ञान में आया कि ये सिर्फ एक शुरुआत सी है। हमने इसके लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग SIT का गठन किया है DCP क्राइम के निर्देश में, जो इसकी डेप्थ तक जाएगी कि ये कहाँ कहाँ पर चल रहा है, किस किस जगह पर और है, और इसके तार ना सिर्फ कानपुर से पर मेरा विचार है कि दिल्ली से और दूसरे शहरों से भी जुड़े हुए हैं। तो ये जो टीम है हमारी ये इसकी डेप्थ तक जाएगी, तह तक जाएगी और हम सुनिश्चित करेंगे कि इस तरीके से जो ये जो सट्टे का कारोबार जो आईपीएल को लेकर चल रहा था इस पर अंकुश लग सके। और ना सिर्फ ये सिर्फ आईपीएल के लिए नहीं था, जो वेबसाइट है उसको हमने जब चेक किया तो इसके अंदर विभिन्न जो खेल हैं, क्रिकेट मैचेस हैं और हैं फुटबॉल के गेम्स हैं, उसमें भी ये चल रहा है। पूरी टीम ने बड़ा सराहनीय काम किया है जिसको मेरी तरफ से 50,000 का इनाम दिया गया है और हम लोग इस वर्क को, इस शुरुआत को और आगे लेकर जा रहे हैं जिससे कि इस पर अंकुश लगाया जा सके। नहीं, ये दूसरे गेमों में चलता रहा है वेबसाइट्स के माध्यम से, पर चूंकि आईपीएल एक पॉपुलर गेम है यहाँ पर अपने उसमें, तो उसमें अधिक चलता है, बाकी फुटबॉल और अन्य गेमों में भी चलता रहा है।